ओ सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है गगनदीप सिंह ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है श्री गुरु रामदास कोचिंग सेंटर वल्लों। दोस्तो असीं पहलां ही बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हाँ सरकारी नौकरी प्राप्त करन लई, पर होया कि विच पंजाबी दा एक पेपर रख दिता जिस नूं ओनली क्वालिफाई नेचर दे नाल देखा जाएगा, होर कुछ भी नहीं। वैसे तां ये बहुत वधिया उपराला है पंजाब गवर्नमेंट का, पर इस वीडियो राही अते तुहाडे सहयोग राही मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुँच जाए ताकि उन्होंने यह दस सकीए कि जिस तरह पी एस टैट जो कि बी एड लई पेपर लिया जाता है ओनली क्वालिफाई नेचर होता है, जेकर उसनों एक बार पास कर लगे तो जिन्हें मर्जी पेपर देने हैं मास्टर कैडर के वो एलिजिबल होंगे। इसे तरह जो ये पंजाबी का पेपर लिया जाएगा हजे फस्ट टाइम लेना है तो पंजाब गवर्नमेंट नूं यही बेनती की जाती है कि इस पेपर दी तरीक तो निश्चित कर दी गई है, पर इस दी जो लिमिट है ओनली एक बार होनी चाहिए है ता जो असी पेपर नूं क्रैक करके एक सानू प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए है ता जो असी हरेक जॉब नूं अप्लाई कर सकीए। ये ना होवे कि कोई भी जॉब मीन्स पोस्ट आउंदी है तां सानू पहला पंजाबी दा पेपर देना पवेगा, तां ये साडे लई खज्जल खुआरी वाला काम है। कहण दा भाव कि जिस तरह बहुत कैंडिडेट्स दूर दूर जाके पेपर दे के आउंदे हन ते ये ना होवे कि हरेक पेपर लई पंजाबी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पवे अते उन्हां दे रोल नंबर भी दूर दूर तक आउण ते कैंडिडेट्स बस पेपर ही देंदे रह जाण ते जॉब प्राप्त करन लई ओवर एज हो गए तां उन्हां दा टाइम है जो ओहो लंघ जाएगा। तां दोस्तों इस वीडियो नूं इन्ना ज़्यादा शेयर करो ता जो ये पंजाब के मुख्य मंत्री जी तक पहुँच सके ते ओहो इस नूं ओनली क्वालिफाई नेचर दे नाल ही कंडक्ट करवाउन, जिस दा एक बार हो गया उस नूं दूसरी बार देण दी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला हुंदा सी कि पी एस टैट मीन्स पी टैट 7 साल लिए वैलिड सी, बट हुण गवर्नमेंट ने वो लोंग लाइफ कर दिता है, मीन्स जिन्ना चिर मर्जी होवे उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसे तरह पंजाबी का पेपर भी होना चाहिए है। तो मैं तुहानूं एक गल पहला कहिंदा हुंदा सी कि पंजाबी नूं लाइटली ना लवो, ते वो दिन हुण पंजाब गवर्नमेंट ने लै आंदा है। वैसे तो बहुत वधिया कीता है, पता लग जाएगा कि किन्नी क नॉलेज है पंजाबी बारे। ते लाइटली लैण दा मतलब ये सी कि पंजाब दे विच जो पंजाबी बोली जाती है वो गुरुआं दे मूँह राही निकली हुई लिपि है गुरमुखी, अते उस दी व्याकरण है जो पंजाबी दी, उसे दे क्वेश्चन आउणगे
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਓਨਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜੋਬ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।